राजस्थान के पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल और पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एनएल टिब्रेवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने में स्मारकों की अहम भूमिका है। वे रविवार को हरिभाव उपाध्याय नगर विस्तार स्थित महाराजा धारसेन स्मारक पर सिंधुपति महाराजा धारसेन की 1301वें बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराजा धारसेन का स्मारक पर्यटन के साथ चिंतन का भी स्थान है। इस स्मारक से युवा पीढ़ी को हमारे पूर्वजों की ओर से किए गए बलिदान की जानकारी मिलती है। समारोह के विशेष अतिथि पद्मश्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल ने कहा कि जो लोग अपनी अस्मिता को भूलते हैं वे जल्दी गुलाम हो जाते हैं। सिंध वो प्रदेश है जिसमें भारत माँ की रक्षा के लिए सर्वाधिक घाव झेले हैं, क्योंकि यहीं से दुश्मनों ने आक्रमण किए थे। उन्होंने बताया कि धारसेन का अर्थ है अपनी अग्नि से शत्रु को नष्ट करने वाला। उन्होंने देश में पिवनी सांप की तरह फैलने वाले सांस्कृतिक दोष की ओर सबका ध्यान आकर्षित करवाया। इस मौके पर हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महंत हंसराम साहेब ने सिंधु साधु समाज के द्वारा सिंधु तीर्थ विकसित करने के लिए पूर्ण सहयोग की बात कही। भारतीय सिंधु सभा के मार्गदर्शक कैलाश जी ने बताया कि गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सदैव स्वाध्याय द्वारा अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। हमारा लक्ष्य भारत माता के गौरवगान को विश्व में फैलाना है और अपने गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी को देना है। सिंधु सभा के प्रदेशाध्यक्ष लेखराज माधु ने कहा कि हमें सिंधी कहने पर गर्व होना चाहिए। अपने स्वागत भाषण में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि दुनिया में जब सभ्यता नहीं थी तब सिंध में एक विकसित सभ्यता थी। वेदों की ऋचा का उच्चारण सिंधु नदी पर किया गया। उन्होंने कहा कि भारत में जब सिंध होगा तभी भारत विश्व में सिरमौर होगा। उन्होंने कहा कि इस स्मारक पर जितनी भी अच्छाइयां हैं वो सब आप लोगों की है और कमियां मेरी है। समारोह में महाराजा धारसेन के बलिदान दिवस पर पहली बार घोषित 51,000 का पुरस्कार आदिपुर कच्छ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी के डायरेक्टर लक्ष्मी खिलनाणी को दिया गया। उनका साफा शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय सिंधु विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय की तरह कार्य कर रही है जो सिंधी जाति की पहचान को बचाए रखने का अनूठा कार्य कर रही है। उन्होंने झूलेला तीर्थधाम की तरह नारायण सरोवर को विकसित करने की योजना के बारे में भी बताया जिसमें 72 एकड़ जमीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई है। लगभग 2 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर मोदी सरकार को समाज द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने अपना भाषण शेख अयास की वीर रस की कविता के साथ किया। समारोह में महाराज धारसेन पर आधारित सुरेश हिंदुस्तानी की टीम ने नाटक का मंचन किया और राष्ट्र रक्षा के लिए देश भर से आए युवाओं द्वारा संकल्प लिया गया। समारोह का समापन देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। आखिर में विधायक अनिता बघेल ने आगंतुकों का धन्यवाद किया।